दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दादस्तक 24। इस एपिसोड में आपको दो खबरें देखने को मिलेंगी। पहली खबर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली से है, जहां हिरण की हत्या से संबंधित एक मामला ऐसा घटित हुआ जो सोचनीय है। दूसरी खबर जिला जालौन में प्रेम प्रसंग को लेकर युवक को छत से फेंकने से संबंधित है। पहली खबर है उत्तर प्रदेश के जिला बरेली से। फौजीपुरा थाना क्षेत्र गाँव महिमापट्टी के खेतों में तीन ग्रामीणों ने जंगल से भटक कर पहुंचे, एक हिरण को गले में रस्सी से फंदा लगाकर मार डाला। हिरण खेत में फसल खा रहा था। इस पर तीनों ग्रामीण गुस्सा हो गई और उन्होंने हिरण को पहले घेर कर पकड़ लिया, इसके बाद उसके गले में रस्सी से फंदा कस दिया और उसे तब तक घसीटा जब तक मासूम पशु मर नहीं गया। वन रेंजर वैभव चौधरी की ओर से तीनों आरोपियों के खिलाफ हिरण को मारने पर पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस अब तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है। बता दें कि जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा के लिए बनाए गए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार शिकार के कृत्य का अर्थ है किसी जंगली जानवर को कैद करना, उसकी हत्या करना, उसे जहर देना या फंदा लगाकर फंसाना, बल्कि किसी जानवर को चोट पहुँचाना, क्षतिग्रस्त करना या उसके शरीर के अंगों को चुराना भी शिकार कहलाता है। वन्य पक्षियों और सरीसृपों के अंडों या घोंसलों में व्यवधान पैदा करना या क्षति पहुंचाना भी शिकार के बराबर है। जनवरी 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और इन अपराधों के लिए दंड और कठोर कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं दूसरी खबर। जिला जालौन के देवनपुरा गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर युवक को छत से नीचे फेंकने का मामला सामने आया है, जिसमें युवक की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों में से दो को गिरफ्तार भी किया है। बताते हैं पूरा मामला क्या है। कुठौत थाना क्षेत्र के ग्राम देवनपुरवा का मामला है, जहां पर गांव के ही रहने वाले युवक का अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन लड़की के परिजनों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसके चलते लड़का लड़की घर से भाग निकले। लड़की के घर से भागने की परिजनों ने पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया और दोनों परिवारों के बीच सुलहनामा करवा दिया गया और मामले को शांत किया गया। मिली जानकारी के अनुसार लड़की के परिजनों को यह बात रास नहीं आई और उन्होंने लड़के को सबक सिखाने की योजना बना डाली और अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर युवक के घर पहुंचे। इसके बाद छत पर बैठे युवक पर हमला बोल दिया, उसके साथ मारपीट की गई, उसे छत से फेंक दिया। नीचे निर्माणाधीन मकान की बीम पड़ी हुई थी, जिसके सरिये युवक के शरीर में ज्यादा से और युवक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। यह देख सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं परिजन युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया और गंभीर हालत देखते हुए उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया। इलाज के दौरान इस युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद युवक के परिजनों ने पड़ोसियों पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम करवाया है। घटना में नाम दर्ज चार आरोपियों में से दो को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अन्य दो की तलाश जारी है। आप देख रहे हैं दादस्तक 24। धन्यवाद।